आगे देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां हम करते हैं, राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो राष्ट्रपति की शक्तियों की अगर बात करें तो इसे 7 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स, विधायी शक्तियां यानी लेजिस्लेटिव पावर, वित्तीय शक्तियां यानी फाइनेंशियल पावर, न्यायिक शक्तियां जुडिशियल पावर, कूटनीतिक शक्तियां और सैन्य शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। तो अब एक एक करके हम राष्ट्रपति के विभिन्न शक्तियों को विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां कौन कौन सी है इस पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला है कि भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। भारत सरकार का जितना भी काम होता है वह राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। दूसरा, राष्ट्रपति के नाम से दिए जाने वाले आदेशों और अनुदेशों को वैध बनाने के लिए भी राष्ट्रपति नियम बना सकता है कि वो जो आदेश दे रहा है, अनुदेश दे रहा है, वो लीगल हो, वैध हो, उसके लिए नियम बना सकता है राष्ट्रपति। ठीक है। तीसरा, ऐसे नियमों का निर्माण राष्ट्रपति कर सकता है ताकि केंद्र सरकार सहज रूप से कार्य कर सके और मंत्रियों के बीच कार्यों का सहज वितरण हो सके। ठीक है। चौथा पावर है कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, यानी कि उसकी इच्छा जब तक बनी रहेगी उस तब तक वो कार्य करेंगे। ठीक है। इसके बाद महान्यायवादी की नियुक्ति भी, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। साथ ही उसका वेतन और सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और प्रधानमंत्री और मंत्रियों की तरह महान्यायवादी भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, यानी इसका भी कोई कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है। इसके अलावा निम्नलिखित संवैधानिक पदों पर नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किन किन संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है वो देख लेते हैं। पहला है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग कहते हैं, CAG। ठीक है। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त, इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सारे पद संवैधानिक पद है, संविधान में इनका वर्णन किया गया है। तो इन सभी संवैधानिक पदों पर नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सातवां जो एग्जीक्यूटिव पावर है, कार्यकारी शक्ति है, वह कि राष्ट्रपति केंद्र के प्रशासनिक कार्यों एवं विधायिका के प्रस्तावों के संबंध में प्रधानमंत्री से जानकारी मांग सकता है। यानी कि केंद्र के प्रशासनिक कोई भी प्रशासनिक कार्य है या विधायिका के जो प्रस्ताव हैं उनके संबंध में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से जानकारी मांग सकता है। ठीक है। आठवां है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो किंतु पूरी मंत्रिपरिषद ने इसका अनुमोदन नहीं किया, यानी कि किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है लेकिन मंत्रिपरिषद से इसका अनुमोदन नहीं कराया गया है, तो ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन रिपोर्ट भेजने के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कह सकता है। ठीक है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आयोग की नियुक्ति का कार्य भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य सहयोग स्थापित करने के लिए, केंद्र और राज्य के मध्य और राज्यों के मध्य, केंद्र राज्य तथा राज्यों के मध्य सहयोग स्थापित करने के लिए अंतरराज्यीय परिषद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है। इसके अलावा स्वयं के द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन संभालना, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां के प्रशासक राष्ट्रपति के नाम पे वहां का प्रशासन संभालते हैं। ठीक है। इसके अलावा किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना हो तो यह अधिकार भी राष्ट्रपति के हाथ में ही होता है। राष्ट्रपति ही किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन भी राष्ट्रपति के अंडर ही आता है। ठीक है। उसके तो ये सारे थे राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्तियां या एग्जीक्यूटिव पावर्स। अब विधायी शक्तियां देखते हैं। लेजिस्लेटिव
पावर्स, ठीक है। पहला, राष्ट्रपति संसद की बैठक बुला सकता है, यानी कि संसद की बैठक बुला सकता है राष्ट्रपति, संसद की बैठक को स्थगित भी कर सकता है और लोकसभा को विघटित भी कर सकता है। ये तीनों शक्तियां राष्ट्रपति के पास है। इसके अलावा राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो यहाँ पे देखिए हर पॉइंट में एक क्वेश्चन बन जाता है एमसीक्यू। पहले बन जाएगा कि राष्ट्रपति संसद की बैठक बुला सकता है, संसद की बैठक स्थगित कर सकता है, लोकसभा को विकसित कर सकता है, डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपको ध्यान रखना है। अब राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का की जो बैठक होगी वो एक साथ ही होगी, यह भी राष्ट्रपति कर सकता है। और जब भी संयुक्त अधिवेशन संसद का होता है तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। अगला, जब प्रत्येक चुनाव चुनाव के बाद या फिर प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन, यानी कि इलेक्शन होगा, नई सरकार बनेगी, तो जो पहला अधिवेशन होगा संसद का उसको राष्ट्रपति संबोधित करता है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को भी राष्ट्रपति संबोधित करता है, ठीक है। संसद में लंबित किसी विधेयक या किसी अन्य विषय के संबंध में संसद को संदेश भेज सकता है, यानी कि कोई विधेयक अगर संसद में लंबित है या कोई अन्य विषय जो महत्वपूर्ण है उसके संबंध में संसद को राष्ट्रपति संदेश भेज सकता है, ठीक है। यदि लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी अगर ले ले, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो, तो वह लोकसभा या राज्यसभा के किसी अन्य सदस्य को सदन की अध्यक्षता की जिम्मेदारी सौंप सकता है। यानी कि जब अध्यक्ष का पद खाली होता है तो उपाध्यक्ष संभालेगा, लेकिन अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद खाली हो, चाहे वो लोकसभा की बात हो या राज्यसभा की बात हो, तो इस स्थिति में किसी अन्य सदस्य को भी अध्यक्षता की जिम्मेदारी राष्ट्रपति सौंप सकता है, ठीक है। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से जुड़े अथवा इस फील्ड के जो जानकार व्यक्ति हैं उनमें से 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक है। किसकी क्षेत्र से? साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा। आगे खेल भी जुड़ गया है जिसके अंतर्गत सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है। तो इसमें अब एक और पॉइंट खेल जुड़ गया है जो ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 12 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। इसके अलावा लोकसभा में भी 2 लोगों को मनोनीत करता है जो आंग्ल भारतीय समुदाय को, यानी कि राष्ट्रपति को अगर लगेगा कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व कम है तो वह 2 लोगों को जो आंग्ल भारतीय समुदाय के हैं उनको लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है, ठीक है। अब वह चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों की निडरता के प्रश्न पर निर्णय लेता है। अगर किसी संसद सदस्य के पर यह आरोप लगता है कि वह योग्य नहीं है संसद का सदस्य रहने का, तो इस प्रश्न पर राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श कर निर्णय लेता है, ठीक है। इसके अलावा संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है, यानी कि कुछ ऐसे विधेयक हैं जिनको पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है, राष्ट्रपति अनुमति दे देता है तभी उसे संसद में पेश किया जाता है। तो इसका उदाहरण है भारत की संचित निधि से खर्च संबंधी विधेयक, यानी कि भारत की संचित निधि से अगर कोई पैसा निकालना है, खर्च करना है, तो इससे संबंधित जो विधेयक संसद में पेश किया जाएगा वह पहले राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उसकी अनुमति देगा तभी वह संसद में पेश होगा। तो धन विधेयक, और इसके अलावा राज्यों के नाम में परिवर्तन, इसके सीमा में परिवर्तन, इससे संबंधित जो भी अधिनियम है पहले राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति की पूर्वानुमति मिलने के बाद ही इसे संसद में पेश किया जा सकता है, ठीक है। अब संसद द्वारा पारित विधेयक के प्रस्तुत होने पर राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं, यानी कि संसद के लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने किसी विधेयक को पारित कर दिया है तब वह राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाता है। तो इस समय राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला कि या तो वह विधेयक को अपनी स्वीकृति दे दे, तो विधेयक को अगर अपनी स्वीकृति दे देता है तो वह विधेयक अधिनियम बन जाता है, ठीक है। दूसरा है कि वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, यानी कि कोई निर्णय ले नहीं रहा हो, ठीक है। और तीसरा होता है कि वह विधेयक को पुनर्विचार हेतु संसद को वापस लौटा दे, ठीक है। और संसद को अपने पॉइंट्स रख के, अपने विचार रख के, और संसद को वापस कर सकता है कि इन इन बिंदुओं पे संसद को फिर से विचार करना चाहिए, इस विधेयक के जो बिंदु उसको लगता है कि विचार करने की जरूरत है राष्ट्रपति इसे वापस कर सकता है कि संसद उन बातों पे फिर से विचार करे। लेकिन संसद
पुनर्विचार के बाद, यानी संसद विचार करता है और अगर संशोधन करता है या संशोधन नहीं भी करता है, जिस रूप में राष्ट्रपति ने भेजा था अगर उसी रूप में पास कर दे या संशोधन के साथ पास करके दोबारा अगर पुनर्विचार के बाद प्रस्तुत होता है राष्ट्रपति के पास वह विधेयक, तो इस बार राष्ट्रपति उसे स्वीकृति देने के लिए बाध्य होते हैं। यानी कि पुनर्विचार के बाद जो भी विधेयक जाएगा राष्ट्रपति के पास, उसे स्वीकृति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। ठीक है, अब हमने देखा ये जो देख रहा था कि संसद और जो पारित विधेयक है, अब जो विधेयक राज्यों के विधानमंडल द्वारा पारित होते हैं और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर दिए जाते हैं, तो इस समय जब राष्ट्रपति के पास वो विधेयक आएगा तो राष्ट्रपति के पास क्या क्या विकल्प है वो हम लोग देख लेते हैं। तो राज्य विधेयक को अगर राज्यपाल को लगता है कि राष्ट्रपति को विचार करने की जरूरत है तो राष्ट्रपति के लिए वो आरक्षित कर देगा, वह विधेयक राज्य से राष्ट्रपति के पास आ जाएगा। अब राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि वह विधेयक को अपनी स्वीकृति दे दे, स्वीकृति दे देगा तो वह अधिनियम बन जाएगा, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, और तीसरा है कि वह विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को वापस लौटा सकता है। तो हमने देखा कि संसद में भी यही हो रहा है कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए एक बार, पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति केवल एक ही बार वापस कर सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद संसद का अगर विधेयक है तो राष्ट्रपति बाध्य है उसे स्वीकृति देने के लिए। लेकिन जो राज्य के विधानमंडल के विधेयक हैं उनको पुनर्विचार के बाद भी राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं, यानी कि दोबारा भी अगर पुनर्विचार के बाद भेजा जा रहा है राज्य विधानमंडल से राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति वो बाध्य नहीं है कि राज्यों के विधेयक को वो स्वीकृति दे दे। इस स्थिति में क्या करेगा, अगर राष्ट्रपति को स्वीकृति नहीं देनी है तो उसे अपने पास रख लेगा, कोई डिसीजन नहीं देगा, जिसको हम लोग आगे वीटो में पढ़ेंगे, जिसको पॉकेट वीटो कहा जाता है, जेब वीटो, यानी अपने पॉकेट में डाल दिया वैसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, अगला कि संसद के सत्रावसान की स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करते हैं। यानी कि संसद का जब कोई सत्र नहीं चल रहा हो और कोई ऐसी स्थिति आ जाए जहां पे कानून बनाने की जरूरत है, अधिनियम बनाने की जरूरत है, तो ऐसे अधिनियम राष्ट्रपति बना सकता है जिसको अध्यादेश कहा जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश, ये टाइपिंग मिस्टेक है, जारी अध्यादेश का संसद की पुनर्बैठक के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। यानी कि जब राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया है तो अध्यादेश की शक्ति भी उतनी होती है जो संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम की होती है, लेकिन जैसे ही संसद की बैठक फिर से शुरू हो जाएगी, सत्र फिर से शुरू हो जाएगा, तो सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर उस अध्यादेश को संसद द्वारा अनुमोदन मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो अध्यादेश निरस्त हो जाता है, प्रभावी नहीं रहेगा। अगर संसद ने उसे अनुमोदित कर दिया तो वो फिर वो कानून बन जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है, इस पे कोई सीमा उसकी नहीं निर्धारित की गई है, जब भी चाहे राष्ट्रपति अध्यादेश को वापस ले सकता है। इसके अलावा देखते हैं कि वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और अन्य आयोग की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखता है। यानी कि कैग का जो रिपोर्ट होगा, संघ लोक सेवा आयोग अपना रिपोर्ट देता है, और अन्य आयोग जैसे SC/ST आयोग है, OBC आयोग है, तो ये इनके जो रिपोर्ट होते हैं उनको संसद के समक्ष वो रखता है या रखवाता है संसद के डिस्कशन के लिए। ठीक है, इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर एवं नागर हवेली एवं दमन एवं दीव में शांति, विकास व सुशासन के लिए विनियम बना सकते हैं। यानी कि इन केंद्र शासित प्रदेशों में जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, दादर एवं नागर हवेली है, दमन व दीव है, इसमें शांति, विकास और सुशासन के लिए नियम बना सकता है। ठीक है, अब देखते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, राष्ट्रपति के पास कौन कौन से फाइनेंशियल पावर्स हैं वो देख लेते हैं। तो पहला है कि धन विधेयक, यानी कि धन विधेयक वो है जहां सरकार से खर्च होता है, तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाना, यानी कि बात की संचित निधि से अगर धन निकाला जाना है तो उसको सबसे पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी और उसके बाद ही वह विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरा, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग बजट भी कहते हैं, तो वार्षिक वित्तीय विवरण या केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखवाता है। ठीक है, इसके अलावा अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती, यानी कि राष्ट्रपति
से पूर्वानुमति लेकर ही संसद में कोई अनुदान की मांग की जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं कि भारत में जो आकस्मिक निधि है भारत की, उससे जो अग्रिम भुगतान की व्यवस्था थी वो भी राष्ट्रपति के परमिशन से ही होती है, राष्ट्रपति के अनुमति से ही हो सकती है। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करना, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किस आधार पर होगा, कैसे होगा, किस सिद्धांतों के आधार पर होगा, इन सब के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और वह जो रिपोर्ट देता है, वह जो सुझाव देता है, उसके अनुसार ही केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व का बंटवारा किया जाता है। अब देखते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, यानी कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वह उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकता है, यानी कि राष्ट्रपति को लगता है कि किसी विधि या तथ्य पर उसे कानूनी सलाह चाहिए तो वह उच्चतम न्यायालय से ले सकता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय जो सलाह दे रहा है उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, वह केवल एक परामर्श है, राष्ट्रपति नहीं है कि उच्चतम न्यायालय को के सलाह को माने। ठीक है, इसके अलावा किसी भी अपराध के लिए, नीचे जो मामले दिए हैं उसमें किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किसी व्यक्ति को, यानी जिसको दंड दिया जा सका हो, उसके दंड को निलंबित करना या माफ करना या परिवर्तित करना या दंड में क्षमादान करना, प्राण दंड स्थगित करना या राहत प्रदान करना या प्राण दंड की सजा को माफ करना, ये सारे शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं। किन मामलों में वह इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है? पहला है उन सभी मामलों में जिसमें सजा सैन्य न्यायालय, यानी कि अगर सैन्य न्यायालय के द्वारा जो सजा दी सकती है उसमें राष्ट्रपति माफ कर सकता है। दूसरा, उन सभी मामलों में जिनमें सजा केंद्रीय विधियों के विरुद्ध अपराध के लिए दी गई हो, यानी कि केंद्रीय जो कानून है उसके अंतर्गत अगर कोई विरोध अपराध किया जा रहा है तो उसमें राष्ट्रपति अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, और उन सभी मामलों में जिनमें प्राण दंड की सजा दी गई हो, यानी कि अगर डेथ पेनाल्टी दी गई हो, मृत्यु दंड की सजा दी गई हो, तो चाहे वो केंद्रीय विधि के अधीन किया गया अपराध हो या राज्य विधि के अधीन किया गया अपराध हो, उन सब में राष्ट्रपति उसको क्षमादान दे सकता है, स्थगित कर सकता है, राहत प्रदान कर सकता है। ठीक है, तो जब राजविधियों की बात करेंगे तो उसमें अगर प्राणदंड की सजा नहीं है तो उसमें राज्यपाल के पास से पावर जाता है कि वो या तो सजा को माफ कर दे, स्थगित कर दे, राहत प्रदान करे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां क्या हैं। तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं, संधियां होती है, वो सब राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, लेकिन इसके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है, यानी कि राष्ट्रपति के नाम से ही सारी संधियां सारे समझौते होंगे अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन उसे संसद का अनुमोदन आवश्यक है, संसद की अनुमति अनिवार्य है। राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मंचों और मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रपति भारत का प्रतिनिधि है, भारत का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, राष्ट्रपति कूटनीतिज्ञों, राजदूतों और उच्चायुक्तों को भेजता है दूसरे देशों में, और दूसरे देश के जो कूटनीतिज्ञ आते हैं, राजदूत आते हैं, उच्चायुक्त आते हैं, उनका स्वागत करता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति थल सेना, वायु सेना और नौसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है, यानी कि जो आर्मी चीफ है, एयरफोर्स चीफ है, नेवी चीफ है, इन तीनों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति युद्ध या युद्ध के समाप्ति की घोषणा कर सकता है, युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है और युद्ध के समाप्ति की घोषणा भी कर सकता है, लेकिन वह अपनी मर्जी से घोषणा नहीं कर सकता है। इस निर्णय को संसद का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए, यानी कि संसद के अनुमोदन के बाद ही राष्ट्रपति युद्ध या युद्ध के समाप्ति की घोषणा कर सकता है। अब राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हम लोग देख लेते हैं। भारत का संविधान भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित 3 परिस्थितियों में आपातकालीन शक्तियां प्रदान करता है। आगे जब इस चैप्टर में हम लोग जाएंगे तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ पे केवल देख लेते हैं कि कौन कौन से आपातकालीन शक्तियां हैं। पहला है राष्ट्रीय आपात, जिसको नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। दूसरा, राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वह
अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगता है, और इससे संबंधित कुछ प्रावधान 365 में भी, अनुच्छेद 365 में भी दिए गए, लेकिन मुख्य रूप से जो राष्ट्रपति शासन है वह अनुच्छेद 356 में है। और तीसरा जो आपातकाल है वह वित्तीय आपातकाल है, जो अनुच्छेद 360। आप देखेंगे कि चार चार के गैप है, 352, चार 356, चार 360, यानी कि चार चार ऐड करते जाइएगा तो ये तीनों आपातकालीन शक्तियां मिल जाती है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है, और इसे लगाने की जो शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित है। अब वीटो शक्ति के बारे में जानते हैं। वीटो का मतलब होता है किसी चीज को मना कर देना, यानी कि किसी नियम को, किसी कानून को मना कर देना, इसे इसकी शक्ति राष्ट्रपति के पास है और इसको वीटो शक्ति कहते हैं। जो अमेरिका के राष्ट्रपति है उसको भी, उसकी वीटो शक्ति अलग है, जो भारत के राष्ट्रपति हैं इनकी वीटो शक्ति अलग है। ठीक है, तो संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम जब राष्ट्रपति की सहमति हेतु प्रस्तुत होता है तो राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं। हम लोगों ने पहले भी देखा है, यह अनुच्छेद 111 के अंतर्गत होता है कि वह विधेयक को स्वीकृति दे दो। दोबारा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा कि विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रखें, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये अपनी है। ठीक है, तो या तो स्वीकृति दे दे या स्वीकृति को सुरक्षित रखें। और तीसरा कि वह विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा दे। धन विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। क्यों नहीं लौटा सकता है? क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद ही संसद में पेश किया जाता है, यानी कि धन विधेयक सबसे पहले राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उसे अपनी अनुमति दे देता है, तभी वो संसद में प्रस्तुत होता है। तो चूंकि राष्ट्रपति पहले ही उसकी परमिशन दे चुका है, इसलिए धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। अगर संसद ऐसे विधेयक को बिना संशोधन के अथवा संशोधन करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति के लिए ऐसे विधेयक को अपनी स्वीकृति देना अनिवार्य होगा। यानी कि अगर पुनर्विचार के लिए लौटा रहा है तो जिस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया गया है संसद को, संसद उसे संशोधन करे या बिना संशोधन किए ही फिर से उसको पारित कर दे और राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकारी होता है कि पुनर्विचार के बाद जो भी विधेयक उसके पास आता है उसे उसकी उसे अपनी स्वीकृति उसे देनी होगी, यह उसके लिए बाध्यकारी है। ठीक है, और राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए किसी विधेयक को केवल एक ही बार लौटा सकता है। अब देखेंगे कि राष्ट्रपति को तीन तरह की वीटो शक्तियां प्राप्त है। पहला वीटो शक्ति है वो उसको बोलते हैं आत्यंतिक वीटो, यानी कि इस वीटो में राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी कानून को अपने पास सुरक्षित रखेगा, माने अपने पास ही रह जाएगा, सुरक्षित रह जाएगा और वो उस पर साइन नहीं करेगा और इस तरह वह विधेयक समाप्त हो जाता है। लेकिन जो आत्यंतिक वीटो है, जब किसी कानून को राष्ट्रपति अपने पास सुरक्षित रख लेता है, अपनी स्वीकृति सुरक्षित कर देता है, तो इस वीटो का प्रयोग दो स्थिति में किया जाता है। पहला कि गैर सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयक के संबंध, यानी गैर सरकारी सदस्य वह है जो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं है। तो जो विधेयक होता है संसद का कोई भी सदस्य, या तो सत्ता पक्ष में हो विपक्ष में हो, अगर वो संसद का सदस्य है तो वो अपने तरफ से विधेयक प्रस्तुत कर सकता है, और ऐसे विधेयक को गैर सरकारी विधेयक या प्राइवेट बिल भी कहा जाता है। तो गैर सरकारी सदस्यों द्वारा जब जो विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं उसके संबंध में अत्यंतिक वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकता है, क्योंकि मंत्रिमंडल को अगर लगेगा कि वह उचित नहीं है या ये पास नहीं होना चाहिए तो राष्ट्रपति को सलाह कर देगा कि इसको रोक लिया जाए, तो राष्ट्रपति अपनी अनुमति स्वीकृति सुरक्षित कर लेता है और वो विधेयक वैसे ही पड़ा रहेगा और समाप्त हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि जब संसद द्वारा विधेयक पारित हो जाए तथा मंत्रिमंडल त्याग दे, यानी कि किसी सरकार ने विधेयक पारित किया है, पारित होने के बाद मंत्रिमंडल त्याग दे देती, यानी कि सरकार का विघटन हो जाता है, और फिर जब नया मंत्रिमंडल बनेगा तो नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को यह सलाह देता है कि वह इस विधेयक पर सहमति नहीं दे, इसको स्वीकृति नहीं दे, तो इसी स्थिति में भी वह आत्यंतिक वीटो का प्रयोग करेगा, उसको सुरक्षित कर देगा और वह विधेयक समाप्त हो जाता है। तो दो कंडीशंस में आत्यंतिक वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब दूसरा जो प्रकार है वीटो का है, वह है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो में क्या होता है कि निलंबन का मतलब है कि वो थोड़ा देर करेगा। ठीक है, कुछ समय के लिए वह विधेयक निलंबित हो जाता है, उसको पास होने में अब टाइम लगेगा, पारित होने में टाइम लगेगा, तो राष्ट्रपति क्या करेगा कि विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा देगा। लौटाने का मतलब है कि
जितनी जल्दी से वह विधेयक पारित होकर संसद से आ गया है, उतना ही समय फिर से दोबारा उस पर लगेगा। अब संसद के पास पुनर्विचार के लिए वापस आता है, संसद उस पर विचार करेगी, मतदान होगा, फिर वहां से पारित होगा, तब जाएगा फिर से राष्ट्रपति के पास। तो जब संसद विचार के बाद विधेयक को प्रस्तुत करता है तो राष्ट्रपति उस पर सहमति देने के लिए बाध्य है। तो यह जो अधिकार है पुनर्विचार के लिए उठाने का, इसको निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। और राष्ट्रपति की निलंबनकारी वीटो को संसद के साधारण बहुमत से निरस्त किया जाता है, यानी कि पुनर्विचार के बाद संसद ने फिर से पास कर दिया है तो अब राष्ट्रपति बाध्य हो जाएगा कि उसे साइन करना ही है, स्वीकृति देनी ही है। तो यह जो वीटो है, निलंबनकारी वीटो, उसको संसद के साधारण बहुमत के द्वारा निरस्त किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जब राज्य के बात करते हैं, जब राज्य के विधेयक पे जो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख किया गया राज्यपाल के द्वारा और राष्ट्रपति कहता है, तो अगर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति करता है तो उसको राज्य के विधानमंडल द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता है। उसको कितनी बार ही वो लौटा दे, नहीं लौटाए, उसके ऊपर राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है। धन विधेयक को हमने पहले डिस्कस किया, फिर से देख लेते कि धन विधेयक को राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। कारण क्या है? कारण यह है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो जिस चीज की अनुमति राष्ट्रपति ने एक बार पहले ही दे चुकी है उस पर वो फिर से सवाल नहीं कर सकता है, ठीक है। तीसरा जो प्रकार है वो पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो यानी कि ठंडे बस्ते में डाल देना, ठीक है, कोई विचार ही नहीं कर रहा है। इस वीटो में राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर न तो अपनी सहमति देता है, न अस्वीकृत करता है, और न उसे वापस करना, यानी कि राष्ट्रपति कुछ नहीं कर रहा है। राष्ट्रपति के पास वो विधेयक गया और पड़ा हुआ है, ठीक है। इस स्थिति में विधेयक एक अनिश्चित समय के लिए लंबित हो जाता है। तो पॉकेट वीटो में यानी कि पॉकेट में डाल दिया, पड़ा हुआ है, और उस पर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, न वो तो सहमति दे रहा है राष्ट्रपति, न उसे अस्वीकृत कर रहा है, न उसे वापस कर रहा है, ठीक है। अब एक पॉइंट देख लेते हैं कि संविधान संशोधन से जो संबंधित विधेयक होते हैं उस मामले में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन से जो संबंधित विधेयक है न तो उसे अस्वीकृत कर सकता है, न उसे पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। यानी कि संविधान संशोधन से संबंधित जो विधेयक है उसे स्वीकृति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य देनी पड़ेगी। और यह प्रावधान 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा लाया गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक अगर संसद के द्वारा पारित करके राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकृति देनी ही पड़ेगी, न तो उसे वो निलंबित कर सकता है, न उसे अस्वीकृति दे सकता है, न उसे पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कि राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति के वीटो शक्ति का प्रयोग कैसे होता है। तो यह अनुच्छेद 201 में दिया गया है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित राज्य विधायिका के संबंध में राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प है। यानी कि जब राज्यपाल के पास कोई विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित करके राज्यपाल के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति उसे राष्ट्रपति राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। फिर वो विधेयक राज्य से राष्ट्रपति के पास ट्रांसफर हो जाएगा। राष्ट्रपति अब इस स्थिति में राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प है कि पहला की स्वीकृति दे दे, दूसरा अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख ले, और तीसरा है कि वह राज्यपाल के माध्यम से राज्य विधायिका के पुनर्विचार हेतु लौटा दे। यानी कि वो राज्यपाल को दे दे कि वो कि विधायिका उस पर राज्य की विधायिका राज्य विधानमंडल उस विधेयक पे फिर से पुनर्विचार करे। अब पुनर्विचार के बाद फिर से वह विधेयक राज्य विधेयक राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत होगा। लेकिन राष्ट्रपति जैसे संसद में होता है कि संसद से जो पास पुनर्विचार के बाद जो पारित होता है विधेयक उसको राष्ट्रपति बाध्य होता है देने के लिए स्वीकृति, राज्य विधेयक के मामले में राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। और इस स्थिति में अगर राष्ट्रपति चाहे तो पॉकेट वीटो का प्रयोग करेगा, यानी कि वह विधेयक राष्ट्रपति के पास ही पड़ा रह जाएगा और उसकी कोई समय सीमा नहीं है। राष्ट्रपति जो जेबी या पॉकेट वीटो है उसका प्रयोग इस आधार पर करता है कि राष्ट्रपति के पास कोई भी विधेयक, किसी विधेयक को राष्ट्रपति को कितने दिनों के अंदर स्वीकृति दे देनी है या अपना विचार रखने उस पर, इसकी कोई समय सीमा नहीं दिखा। अमेरिका में ऐसा नहीं, अमेरिका में राष्ट्रपति को 10 दिनों के अंदर विधेयक पे अपने विचार देने पड़ते, या तो स्वीकृत करे अस्वीकृत करे, लेकिन उसे अपना विचार देना ही पड़ता है 10 दिनों के अंदर। भारत के राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, वो चाहे तो उसके पास वह विधेयक पड़ा ही रहेगा, उस पर वो विचार न करे और कितने ही लंबे समय के लिए वो लंबित हो सकता है। तो ये है पूरा राष्ट्रपति।
अभी राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के संबंध में जो क्षमादान की शक्ति है उसके बारे में डिटेल से बच गया है, चूंकि आज का क्लास लंबा हो गया, इससे आगे एक टॉपिक और बच गया है राष्ट्रपति के संबंध में, उस पर हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, फिर कल मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ।